जब शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की जानशीनी की बात आई और उस ज़माने के फुकहा ने मिर्ज़ा शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह को इस अजीम मनसब के लायक जाना, तो मिर्ज़ा शिराज़ी ने इस बात की शिद्दत से मुखालफत की और कहा, मेरे फतवा और नज़रियात तैयार नहीं हैं और आप लोगों के दरमियान आगा हसन नजमाबादी जैसा फकीह मौजूद है। यह बात सुनकर आगा हसन नजमाबादी ने कहा, खुदा की कसम, मर्जियत जैसा मनसब कबूल करना मेरे लिए हराम है। मर्जियत के लिए एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो फकीह हो, सियासत से आगाह और ज़माने के मसाइल से भी आगाह हो, और वो आप हैं, और फतवा फराहम करना आपके लिए आसान बात है। मिर्ज़ा शिराज़ी फिर भी इनकार कर रहे थे कि इतने में हाजरीन में से किसी एक ने कहा, जनाब मिर्ज़ा, आप विलायत फकीह के कायल हैं? मिर्ज़ा शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हाँ में जवाब दिया। तो उस शख्स ने पूछा, ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप उनको फकीह मानते हैं? मिर्ज़ा ने फिर से हाँ में जवाब दिया। उस शख्स ने कहा, फिर ये फुकहा हुक्म कर रहे हैं कि आप पर लाजिम है कि आप मर्जियत का मनसब कबूल फरमाएं। ये वो लम्हा था कि जब मिर्ज़ा शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों से आंसू बह रहे थे और कहने लगे, खुदा की कसम, मैं हरगिज़ ये फिक्र भी नहीं करता था कि ये अजीम और संगीन जिम्मेदारी कबूल करूँ। खुदा की कसम, मैं हरगिज़ ये फिक्र भी नहीं करता था कि ये अजीम और संगीन जिम्मेदारी कबूल।